हे गाइस नमस्ते, जय हिंद। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग पिछले वीक में देखा कि निफ्टी ने बहुत बढ़िया, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, अपसाइड भी गया और डाउन साइड भी गया। तो क्या ये मूव कंटिन्यू रहेगा या कुछ रिवर्सल दिखेंगे या फिर अगेन एक नया हाई देखने को मिल सकता है? आइए चलते हैं, देखते हैं कि क्या होने वाला है इस वीक में। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये निफ्टी का चार्ट मैंने लिया है और 75 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाने से पहले इसको डेली के टाइम फ्रेम पर चेक किया जाएगा। तो डेली के टाइम फ्रेम पर रिट्रेसमेंट अप्लाई किया जाता है और रिट्रेसमेंट अप्लाई करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपका इंपॉर्टेंट हाई है और ये आपका इंपॉर्टेंट लो है। तो इंपॉर्टेंट हाई और इंपॉर्टेंट लो के बीच से ही रिट्रेसमेंट अप्लाई किया जा सकता है अगले मूव के लिए, ठीक है। और इलियट वेव हो, नियो वेव हो या वुल्फ वेव हो, इन तीनों वेव में ये सबसे पहले बोला गया है कि जब तक किसी भी ट्रेंड का प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं करता, ये प्रीवियस हाई है और ये इसका प्रीवियस लो है। तो जब तक इसका प्रीवियस हाई नहीं करता, ये जो ट्रेंड चल रहा है, ये ट्रेंड इसी का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। और ये जब नए हाई में इंटर करेगा, अगर प्राइस नए हाई में इंटर करना चाहेगा या बुलिश ट्रेंड में इंटर करेगा, तो प्राइस को इररेगुलर फॉर्मेशन से बाहर आना पड़ेगा। और इररेगुलर फॉर्मेशन का जो मैक्सिमम रेशियो होता है वो होता है 111%, ठीक है। तो अभी करंट का जो अगर रेट देखेंगे तो करंट प्राइस जो है 81% पर ये प्राइस जो है खड़ा है। तो 81% का मतलब अब इसको क्या कंसिडर किया जाएगा कि 81% पर जो प्राइस है, या तो ये बी हो सकता है या तो ये एक्स हो सकता है, ठीक है। तो जब तक प्राइस 111% के आसपास रहता है, आप इसको WXY ABC आप किसी तरह से इसको काउंट कर सकते हो, राइट। अब चाहो तो इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 की तरह भी काउंट कर सकते हो। लेकिन अगर हम करंट मूव की बात करते हैं कि अगर हम एक मूव, अगर हम जो मूव है काउंट, अगर मूव जो काउंट है मूव वाइज किया जाए, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो साथ ही मूव है, तो सात मूव है, तो इसको हम लोग अभी क्या करेंगे, जैसे कि इंपल्स मूव होता है, तो इंपल्स मूव में क्या होता है, 5 पहले मूव होता है और 5+4 होता है, तो जब तक जाके 9 मूव होता है। लेकिन अगर ये आपका जो मूव है ये इंपल्सिव मूव है, इसको इंपल्स बोला जाएगा, 5+4 को इंपल्स मूव बोला जाता है। अगर इसके बीच में कोई मूव है, जैसे कि 6 मूव है, जैसे कि 7 मूव है, जैसे कि 8 मूव है, ये सब मूव क्या होंगे, ये करेक्टिव मूव होंगे, राइट। तो अभी आगे का मूव हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी हम आगे का मूव आइडेंटिफाई करेंगे इन फ्यूचर में। करंट में जो मूव दिख रहा है उसके बेसिस पे ये काउंट किया जाएगा। तो उसके बेसिस पे अगर हम काउंट कर रहे हैं तो आप देखोगे तो ये इस मूव को ए बी सी, इसको डब्ल्यू और इसको एक्स, ये बार बार मैं इसी तरह से काउंट किया हूं इसको। और आगे के जो मूव देख रहे हैं, तो मैंने पिछली वीडियो में आपको ये बताया था कि अगर प्राइस जो है पिछली वीक में यहाँ पर प्राइस था, तो मैंने आपको बताया था कि प्राइस जो है अभी 81% पर प्राइस खड़ा है और इसको ब्रेक करके 127% जाता है, तो इसको 1, 2, 3 काउंट किया जाएगा। तो नो डाउट प्राइस जो है 161% से ऊपर गया, तो इसको 1, 2, 3 रखा गया। और जो प्राइस इस वीक में जो प्राइस ने परफॉर्म किया अप एंड डाउन को, तो ये इसको फोर्थ वेव कंसिडर किया गया, ठीक है। तो आप हम लोग जो काउंट कर रहे थे एग्जैक्टली वैसे ही काउंट कर रहे थे। अब देखोगे तो इसको ए बी सी मिलाकर W रखा गया है और फिर X रखा गया। अब बारी आती है Y की, तो Y की जो काउंटिंग होगी उसमें भी 3 मूव होगा, तो देखा जाएगा। तो इसमें A है, इसमें B है और Y में भी 3 मूव होना चाहिए। Y में जो है Y का जो मूव है 3 मूव होना चाहिए, तो इसमें A, इसमें B और इसमें C, तो C में 5 मूव होना चाहिए। तो 1, 2, 3 और ये 4 की तरफ काउंट किया जा रहा है, इसको 4 कंसिडर किया जा रहा है। फोर्थ के बाद अगर मंडे को क्या होगा, अगर मंडे को प्राइस जो है इस वाले सपोर्ट को होल्ड करता, अब ये वाला सपोर्ट कौन सा है, ये वाला सपोर्ट है वेव थर्ड का लो, वेव ए का लो कितना है, 18382। अगर मंडे या इस वीक में कभी भी 18382 के नीचे अगर प्राइस आता है, तो ट्रेंड क्या होगा, चेंज होगा, वाई आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और अगर मान लो कि अगर प्राइस जो है 18382 को होल्ड करता है और इसके ऊपर ही कंटिन्यू क्लोजिंग देता है, तो अगला जो डेस्टिनेशन बनेगा वो होगा 18887.60, मतलब नए हाई को प्राइस जो है टच कर सकता है, ठीक है। बट ध्यान रखना है कि हमें प्राइस, ये जो प्राइस है 18382 को होल्ड करना चाहिए। अगर हमें ट्रेंड को चेंज करना, अगर प्राइस जो है ट्रेंड को चेंज करता है, तो वो 18382 के नीचे ही चेंज करेगा,
अब यहाँ पर देखोगे तो मैंने दो बॉक्स बना रखे हैं। एक पहला बॉक्स है कि आप यहां से यहां तक रीड करोगे तो ये है आपका, और इसी चीज को आप काउंट करोगे तो ये आपका ए जितना आपका ए का लेंथ है उतना ही आपका सी का लेंथ यहीं पर आ रहा है, जो तकरीबन थोड़ा सा हाई जा सकता है, तकरीबन 19,000 के आसपास की रेट जो है जा सकता है। इसकी काउंटिंग क्या करेंगे, अगर प्राइस 18382 को होल्ड करता है तभी भी प्राइस आपकी वाई ही रहेगा। कहां तक आपका वाई रहेगा, आपका प्राइस जो है 111%, 19,114 तक प्राइस जो है आपका वाई कंसीडर होगा। ठीक है, आपका वाई कंसीडर होगा। अब इसका एक लॉजिक और दिखाता हूं। इसका एक लॉजिक ये है कि आप देखोगे तो प्राइस कंटिन्यू अपसाइड है, राइट ना, कंटिन्यू अपसाइड देखोगे तो प्राइस जो है कंटिन्यू अपसाइड है, बट आपका एमएससीडी सपोर्ट नहीं कर रहा। अब अगर हम बात करते हैं कि क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा और ये कहां सपोर्ट करना चाहिए, एमएससीडी जो है केवल वेब थर्ड को सपोर्ट करता है। जैसे जैसे वेब थर्ड चलेगा वैसे वैसे प्राइस भी रीड करता है, इंडिकेटर भी वैसे ही रीड करता है। आप देखोगे तो यहां पर डब्ल्यू पे हाई लग चुका है, यहां पर ऑलरेडी हाई लग गया, उसके बाद ए बना, उसके बाद वाई भी बन रहा है। अब वाई देखोगे तो भी ये लोअर लो लगा रहा है, ये इसी का हाई नहीं कट रहा है, इंडिकेटर लोअर लो लगाया जा रहा है और प्राइस जो है हायर हाई लगाया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि ये जो मूव चल रहा है ये आपका अपसाइड तो जा रहा है, बट ये करेक्टिव अपसाइड जा रहा है, ये पूरी तरह से करेक्टिव अपसाइड जा रहा है और कहीं से भी ये ट्रेंड जो है चेंज हो सकता है। कहां से चेंज होगा, अगर प्राइस जो है 18382 को ब्रेक करता है, अगर आपके पास लॉन्ग है बिंदास होल्ड करो, ठीक है, और आपको 18382 के स्टॉप्स को फॉलो करना है, राइट। अब मान लो कि 111% जो है 111 ब्रेक कर जाता है तो अगला डेस्टिनेशन आपका ये बनेगा, बट इसके आगे इसके जाने के लिए तब तक मैं आपको लाइव में आके बता दूंगा कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो इसको अभी तक पूरी तरह से इसको इसी तरह से काउंट किया जाएगा। अगर आप इसको डेली के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो वेब अगर आप यहां पे देखोगे तो अभी भी प्राइस जो है आपका हाई लगाया जा रहा है, बट आपका एमएससीडी इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब बैंक निफ्टी में चलते हैं। पहले बैंक निफ्टी में जाने से पहले आपको कंक्लूजन बता दूं कि निफ्टी में क्या करना है। निफ्टी में क्या करना है, अगर आपका पोजीशन लॉन्ग पे पड़ा हुआ है, लॉन्ग में मैं ऐसा क्यों वर्ड यूज कर रहा हूं कि अगर आपका पोजीशन लॉन्ग में पड़ा होगा तो, क्योंकि ये जो मूव चल रहा है ना, ये जो पूरा जो मूव चल रहा है ये करेक्टिव इंपल्स है, इसमें ट्रेडर्स जो होते हैं हमेशा उल्टा ही सोचते हैं, ठीक है ना। मतलब अगर प्राइस अब जा रहा है तो बेचने के मूड में रहेंगे, बेचने के मूड में बैठेंगे, अगर प्राइस छूटेगा तो बाय करने के मूड में रहेंगे, हमेशा ये करेक्टिव का नेचर है। अब इसको हम चलते हैं जरा बैंक निफ्टी में चेक कर लेते हैं। अब देखोगे तो बैंक निफ्टी में तो इस पूरे इसको डेली के टाइम फ्रेम पर रीड करेंगे और डेली के टाइम फ्रेम पर भी सेम चीज हुआ जा रहा है। जब देखोगे तो प्राइस ने नया हाई बना तो दिया, ठीक है, बट यहां पर आकर 111% को भी टच नहीं किया, तो इन फ्यूचर में भी इसको टच कर सकता है, क्योंकि 111% अगर 81% को होल्ड करता है, 81% को प्राइस पर होल्ड करता है तो 111% होल्ड करने जाने का पूरा चांस होता है, ठीक है, जा सकता है, 81% को होल्ड करना चाहिए। अब इसकी काउंटिंग करते हैं। अब ये प्राइस जो है आप देखोगे तो इसका हाई कट गया है, लेकिन यहाँ पर नहीं गया है, 111% नहीं गया है, इसका मतलब प्राइस जो है अभी इररेगुलर फॉर्मेशन में है। इररेगुलर फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि प्राइस जो है करेक्टिव नेचर में है। अब यहाँ पे चलोगे तो देखो कितना बढ़िया आपको देखोगे तो मूव दिखाई दे रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 के नेचर में दिखाई दे रहा होगा। मैंने इसको भी रीड किया था पिछली वीक में, तो मैंने आपको यहाँ पे देखे होगा, तो मैंने इसको थर्ड रखा हुआ था और थर्ड रखने के बाद मैंने बताया था कि एक प्राइस जो है अब जो है इंडिंग डायंगुलर के फॉर्मेशन में मूव कर रहा है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इंडिंग डायंगुलर का नेचर बन सकता है और वही इस वीक में हुआ भी है। तो अब इसको मैंने फोर्थ रखेंगे, तो जब इसको फोर्थ रखेंगे, इसको ऑलरेडी मैंने काउंट कर रखा है, ठीक है, तो इसको मैंने फोर्थ रख दिया है। अब प्राइस जो है सी की तरफ चल रहा है, तो अब सी में जो नेचर बन रहा है, यहाँ पर जो सी बन रहा है इसमें आप देखोगे तो इसमें 1, 2, 3 और 4 का मूव बन रहा है। तो क्या हो सकता है मंडे को, मंडे को अगर प्राइस जो है इस, अब यहां पर आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि सेकेंड वेव, ये आपका सेकेंड वेव और ये आपका फोर्थ वेव और ये आपका सेकेंड वेव कभी भी पैरेलल नहीं हो सकते, कभी भी ये पैरेलल नहीं हो सकते। पैरेलल हो गए हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारी काउंटिंग जो है गलत होगी। अब यहां पर क्या देना है कि मैं आप देखोगे तो मैंने मेजर सपोर्ट इसी का रखा हुआ है। अब अगर प्राइस इस पूरे वीक में 4,390 को होल्ड करता है, वेव सेकंड को होल्ड करता है, तो सी का जो लेंथ बनेगा, ये जो सी इस वाले सेट का जिसका फिफ्थ वेव है, तो इसका जो लेंथ बनेगा वो कहां तक बनेगा, 44716 प्राइस जो है लीड कर सकता है, राइट। इस वीक में अगर प्राइस इसको होल्ड करता है तो,
ठीक है। अगर प्राइस जो इस वीक इस वीक में 4339 जिनको ब्रेक कर देता है तो फिर आपका जो ट्रेंड है वो चेंज हो जाएगा, पूरी तरह से प्राइस का जो ट्रेंड है वो चेंज हो जाएगा और प्राइस का जो मूव बनेगा वो आ जाएगा कहां पर, वेव फोर्थ के पास आ जाएगा। और इसी को बोला जाता है डेथ ऑफ इंपल्स। यहां अगर ये ब्रेक हुआ तो प्राइस यहीं पर आपको दिखाई देगा, अगर इसको होल्ड करता है तो आपका सी जो है पेंडिंग है, 111% जो है पेंडिंग है और वो आ सकता है 44716 का एक हाई और लग सकता है। ठीक है, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी को मैंने आप लोगों को बताया कि इस वीक में क्या हो सकता है। इसके बाद भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो ये लाइव सेशन में मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। हमेशा काउंट करते वक्त आपको ध्यान देना है कि कितने मूव हो चुके हैं। इंपल्स की जब आप मूव करते हो, इंपल्स के जब काउंट करते हो तो उसमें मिनिमम सिंगल मूव, उसके बाद 5 मूव, इसके बाद 9 मूव होना चाहिए। इसके बीच में जितने भी मूव्स होंगे वो सारे के सारे करेक्टिव काउंट होते हैं, करेक्टिव मूव होते हैं। जैसे कि 5+4=9 और 9+4=13, इस तरह से मूव होता है। और सेम हियर यहाँ पर भी 3+1=4। अब 1 क्या है, 1 आपका एक्स है, ठीक है। अब 4 हो गया, या फिर इसको 3+3 करोगे तो आपका 6 हो जाएगा, 3+4 करोगे तो आपका 7 मूव हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो मूव आया ये करेक्टिव का काउंट होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। इसमें आपने जाना कि किस तरह से मूव को किसको इंपल्स बोला जाता है, किसको करेक्शन बोला जाता है, ठीक है। तो अपना ढेर सारा प्यार देना, मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।